उत्तर प्रदेश आपको लिए चलते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर एक फैसला हुकूमती सतह पर लिया गया। गुज़श्ता रोज़ खबरें आई कि पहले FIR दर्ज की गई हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो मार्केट में ओपनली फरोख्त होते हैं बिकते हैं उन पर पाबंदी का मुतालबा किया गया था और न सिर्फ हिंदू तंजीमें इसके पहले से मांग कर रही थी बल्कि जब FIR लगी तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें वाज़ह तौर पर खुल कर आईं। एक तो रियासत के अंदर जो हलाल सर्टिफिकेट से वाबस्ता फूड प्रोडक्ट्स थे जो मसनूआत थे उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के ज़रिए जो मामला है उसका नोटिस लिया गया है और उसके बाद इस पर पाबंदी से मुतल्लिक एक ऑर्डर सरकारी तौर पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जारी कर दिया। इस ऑर्डर के मुताबिक हलाल सर्टिफिकेट्स वाली जो मसनूआत हैं जो प्रोडक्ट्स हैं इनके साथ इन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हलाल सर्टिफाइड जिनमें दवाएं हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, मेकअप आइटम्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, स्टोरेज है, तकसीम का काम है या डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस जो है, खरीदो फरोख्त का सिलसिला, उत्तर प्रदेश ने इन तमाम चीज़ों पर पाबंदी न सिर्फ आयद की बल्कि साथ साथ मुतलका शख्स या फर्म के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ये भी एक बार फिर से वार्न कर दिया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जितनी चीज़ें बरामद की गई हैं हलाल सर्टिफिकेशन वाली, यानी अब तक जो ये कहा जा रहा था कि अलग अलग जगहों पर ये प्रोडक्ट्स फरोख्त होते हैं बिकते हैं इस तरह की बातें हुकूमत के नोटिस में आई थी और चीज़ें जब सामने आई तो पता चला कि पूरी रियासत के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन का टैग लगाकर कई एक बड़े स्टोर्स पर, कई एक बड़े फर्म्स पर जहाँ पर इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि जो तैयार करदा मसनूआत थी जिनको बरामद किया गया हलाल सर्टिफिकेशन का जिन पर टैग लगा हुआ था इनमें पाबंदी की हद में नहीं आएंगी पहली बात तो क्लियर की गई, लेकिन इसके बाद किसी को भी कोई प्रोडक्ट जो हलाल सर्टिफिकेशन वाला होगा चाहे इसमें दवाएं हों, मेडिकल डिवाइसेस हों, इसके अलावा मेकअप आइटम्स हों, मैन्युफैक्चरिंग हो, स्टोरेज हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, खरीदो फरोख पर पाबंदी आयद रहेगी एक बात। इसके अलावा ये भी आपको याद दिलाना ज़रूरी है जो खबरें अभी तक आ रही थी कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें दूध वगैरह है, इसके अलावा चीनी है, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा जो तेल के प्रोडक्ट्स हैं जो अभी तक मार्केट में हलाल सर्टिफिकेशन के टैग के साथ बेचे जा रहे थे, नमकीन रेडी टू ईट बेवरेजेस हैं, इसके अलावा तेल के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी मसनूआत हैं जिन पर हलाल सर्टिफिकेशन का जिक्र किया जा रहा था।